लिए, बच्चों के लिए नहीं, अगर छोटा बच्चे अगर हम छोटे हैं, मार्क्स हमारे अच्छे नहीं आए, पापा ने दिया हमको एक साल पे और कहा अगली बार अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो तुम्हारी और पिटाई हुई। क्या हुआ? डर बैठ गया। किसका? एग्जाम का डर। और अगर उस एग्जाम के डर से हम एग्जाम देने जाएंगे तो क्या मार्क्स अच्छे आएंगे? नहीं आएंगे। तो वी फियर एग्जाम्स। ऐसे लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं। कभी हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, अच्छा नहीं हुआ, फियर ऑफ रिलेशनशिप, फियर ऑफ कमिटमेंट। कभी हमने कुछ अपना दिल का करना चाहा मगर हमारे पेरेंट्स ने बोल दिया नहीं ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम ये सब्जेक्ट मत लो, तुम वो सब्जेक्ट लो। फियर ऑफ पुटिंग आवर वर्ड, फियर ऑफ नॉट चूजिंग व्हाट वी लव टू डू, एंड इम्पोर्टेंटली फियर ऑफ व्हाट विल पीपल से। तो ऐसे बहुत सारे डर ना हमारे लाइफ में हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ, पास्ट बिटर एक्सपीरियंस के साथ आ जाते हैं। दैट इज फियर। जिन लोगों की शादी होती है, शादी के बाद इट इज लाइक कि मैं ये करूं या मैं वो करूं, मैंने ऐसा कर दिया तो सामने वाला क्या सोचेगा। फियर, फियर ऑफ परफॉर्मेंस आफ्टर मैरिज, फियर ऑफ परफॉर्मेंस इन योर प्रोफेशन। अगर गलत हो गया तो कहीं मुझे डिटेंशन ना मिल जाए, या कहीं कोई मुझे स्कोल ना कर दे, या कोई मुझे गलत ना बोल दे। लॉट्स ऑफ फियर, एंड बिकॉज ऑफ दैट फियर वी स्टॉप लिविंग आवर लाइफ। और आप एक और चीज सोचो कि अगर किसी व्यक्ति के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कुछ आपकी खट्टी बात हो गई हो, कुछ अच्छी बात नहीं हो, तो आप उस व्यक्ति से ना सेम बात करने में, अपना पॉइंट रखने में एक बार डरते हो। उस डरने के कारण जो आप प्यार से बोलना चाहते हो ना, वो प्यार से आप नहीं बोल पाते। फिर क्या होता है? रिएक्शन फिर से गलत। देन फियर ऑफ कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन, क्या व्यक्ति समझेगा या नहीं समझेगा। फियर, तो इन्हीं सारे फियर्स के बीच में वो जो हमारा बचपन है ना, वो जो फ्रीडम है, कहीं ना कहीं खो जाती है। एंड दैट इज द अपोजिट ऑफ लव। और सबसे बड़ा जो डर है वो है क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, व्हाट विल पीपल से। अगर मैंने ये काम शुरू किया या मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, क्या सही होगा या नहीं होगा, और अगर मैं शुरू भी कर दूं तो कैसे होगा, उसके बाद अगर कुछ गलत हो गया तो डर, डर। और अगर गलत होने के बाद कुछ बहुत बड़ा बैड रिजल्ट आ गया, देन व्हाट? फियर, फियर ऑफ लूजिंग पोजीशन इन करियर, इन प्रोफेशन, और वेयर एवर यू आर, इन फैमिली आल्सो, फियर ऑफ लूजिंग अ पर्टिकुलर पोजीशन। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस फियर, वी स्टार्ट लिविंग इन अ हैबिट ऑफ लिविंग इन फियर। तो हम अट्रैक्ट करते हैं फियर ऑफ अननोन। और ये सारे फियर्स ना हर जगह अप्लाई होते हैं। फियर ऑफ मनी, जो लोगों को ना पैसे कमाने में दिक्कत आती है, फॉर देम दे आर नॉट लविंग दैट मनी इनफ, या तो वो रास्ता अच्छे से नहीं अपना पा रहे, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फियर बिहाइंड, बेटर टू रिलीज द फियर। फॉर द पीपल जिनको अपना सही कुछ, अपने मन का कुछ करना है, कुछ ऐसा जो उनको करना अच्छा लगता है, या बहुत समय से सोच रहे हैं क्यों नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ डर है इनमें से कुछ जो उनको वहां तक नहीं पहुंचने दे रहा। कई ऐसे लोग हैं जो रिलेशनशिप जिनके साथ अच्छे नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं डर के कारण हमारा ईगो सामने आ जाता है, क्या सामने वाला क्या समझेगा, क्या सोचेगा। हम अपने दिल की बात नहीं रख पाते हैं, दिल की बात रखें भी तो शायद तरीके से नहीं रख पाते, क्योंकि अंदर वो डर बैठा है, वो डर ने हमको पीछे बांधा हुआ है। तो हमें अगर जो भी चीज हम चाहते हैं दुनिया में सब कुछ अगर प्यार से चले, तो क्या चीज की जरूरत है, इन सारे डर को एक एक करके हटा देने की। और आप सब खुद इमेजिन कीजिए, अगर ये सारा डर आपके अंदर से हट जाता, हाउ विल यू फील? यू विल फील फ्री, एंड दैट इज लव। व्हेन यू आर फ्री, व्हेन यू आर यू, दैट इज लव। सो व्हाट इज लव? लव इज अ लैंग्वेज जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। यू नो, ह्यूमन का धर्म ही है प्यार करना, प्यार बांटना। किसी से हमारी लड़ाई भी होती है ना, तो हमें अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ अटकता क्यों है, क्योंकि आर रिलीजन इज टू गिव लव, टू टेक लव। फाइट हो गई, अच्छा नहीं लग रहा, तो अंदर वो कट 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 होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि वो लव का अपोजिट हो रहा है। बट वी आर द ह्यूमन टू लव, तो जब तक वो चीज सॉल्व नहीं होती, वी डू नॉट फील फ्री। तो लव इज अ लैंग्वेज, लव
is to feel free and the language of universe is only love. आप खुद सोचिए, अगर यूनिवर्स में कुछ चीज चल रही है, नदी का बहाव एक तरफ है, अगर आप नदी के बहाव की ओर जा रहे हो तो आप अपने सही स्थान पे समय पे पहुंच जाओ। तो अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा? हर्डल, बहुत सारा हर्डल, बहुत सारा हार्डवर्क भी लगेगा एंड समय भी ज्यादा लगेगा। तो इफ यू हैव टू फ्लो विद द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स, जो भी आपके लिए लिखा है उसमें अगर हम सही तरीके से फ्लो करें तो जो भी हमारा लाइफ का पर्पस है वहां पे सही समय पे पहुंचेंगे और प्यार से पहुंचेंगे। लव इज अ लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स एंड व्हेन यू आर फ्री, व्हेन यू आर वन, आप खुद के लिए सोचते हो फिर ऑटोमेटिकली आप सब हो जाते हो, फिर मैं नहीं रहता, फिर हम हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करने लग जाते हो तो क्या होता है, यू हैव लव, देन यू कैन एक्चुअली गिव इट। आप खुद सोचो, अगर मैं आपसे कुछ चीज मांगू, सपोज मैंने आपसे कहा मुझे आईफोन का चार्जर दे, आप मुझे कब दे सकते हो चार्जर? जब आपके पास वो आईफोन का चार्जर होगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप क्या करोगे? बोलोगे चलो मैं किसी से मांगता हूँ, मैं अरेंज करता हूँ अगर बहुत ज्यादा नेसेसिटी है तो। बट वो अरेंज करने में क्या स्ट्रगल इंक्रीज हुआ, फिर एक और स्ट्रगल, चलो मैंने दे दिया तो वापस मिलेगा नहीं, लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, लॉट्स ऑफ हर्डल्स देयर इन द माइंड। बट अगर आपके पास हो तो आप तुरंत दे दोगे। दैट इज लव। इफ यू हैव लव फॉर योरसेल्फ देन यू कैन एक्चुअली गिव इट। क्या होता है कि हम हमारी दुनियादारी में इतने फंस जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, कहीं ना कहीं हम खुद को खो जाते हैं। तो वुमेन हु आर देयर, हु आर अटेंडिंग इट एंड लिसनिंग टू मी, बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे एंड एवरीवन हु कैन रिलेट विद मी एट मेनी टाइम दे माइट हैव फेल्ट इट। फैमिली में क्या होता है, चलो पहले तुम कर लो, पहले तुम कर लो, बचा तो चलो मेरे लिए। इन दैट वी स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्फ और हम ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि दूसरे हमारी टेक केयर करें। दिस एक्सपेक्टेशन इज अ सॉर्ट ऑफ फियर, इज अ सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ लव फॉर आवर सेल्फ। जस्ट इमेजिन इफ यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, यू स्टार्ट बीइंग हेल्दी, यू एक्चुअली फील दैट लव फॉर योर सेल्फ, आप वो लव कितना दे पाएंगे अपने आसपास लोगों को और यू कैन एक्चुअली स्प्रेड इट बिकॉज देयर विल बी अ स्माइल ऑन योर फेस। लव विदाउट एक्सपेक्टेशन, दैट इज not being you only, that's oneness, and you'll be free from ego because you can actually give it. And dekho maine kya kaha, fear andar rehta hai, love kahin na kahin kho jata hai, and fear comes from our life experiences. Fear gives lots of emotional things, bahut sare thoughts, negative thoughts hamare andar bhar deta hai, and that leads to lots many emotions. कुछ भी काम करने से पहले अगर कुछ भी नेगेटिव इमोशन आया तो उसने आपको बांध दिया। अब व्हाट इज लव? लव इज फ्री फ्रॉम द इमोशनल बैरियर। सारे जो आपकी नकारात्मक भावनाएं जब सारी हट जाती है ना, दैट फीलिंग ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम दोज इमोशनल बैरियर इज लव, फ्लोइंग फ्रीली कि सब कुछ मेरा ना, जो मैं चाह रही हूँ सब कुछ प्यार से हो रहा है। दैट इज लव, जॉय इन एवरी मोमेंट। अगर किसी ने कभी आपको प्रपोज किया हो दिल से, बोला यार आई लव यू, हाउ डू यू फील? आपके ब्रदर सिस्टर ने मोमेंट एनी वन सेज यू आई लव यू, व्हाट इज दैट फीलिंग? जॉय विद इन यू मैटर फॉर अ सेकेंड, बट यू फील इट। कोई आपकी तारीफ करता है, आपको अच्छा लगता है, दैट जॉय, यू वांट नॉट टू हैव दैट जॉय फॉर योरसेल्फ एवरी मोमेंट, वांट नॉट टू लव आवरसेल्फ एवरी मोमेंट। Start living carefree without any emotional barrier with the hope and faith ki bahut jo hoga na ab acha hi hoga mere liye, sab kuch meri life mein pyar se ho raha hai, so automatically na hum khud se connect karne lagenge, we'll start understanding what we want, what we truly love, what we truly want to do, that self connect, that connect with the universe, then we'll start receiving it and giving it freely. That is love. सब कुछ आराम से हो रहा है। And this language, when you are you, you are free. Is love. So आज इस पूरे session में हम ये देखेंगे कि कैसे हम ये love खुद के लिए ले सकते हैं। और we are the center of our universe. Remember this always. जो आपके अंदर होगा ना, वैसा ही आप अपने universe में, अपने surrounding में करोगे। Like योर सराउंडिंग, आपकी दुनिया में जो कुछ भी होता है, आपके आसपास जो कुछ भी होता है, इज अ मिरर इमेज ऑफ योर सेल्फ।
आप मुस्कुराओगे आपकी दुनिया मुस्कुराएगी, आप उदास होगा तो कुछ ना कुछ सामने वाला ऐसा बोल देगा कि आप और इरिटेट हो। तो एवरीथिंग इज द मिरर इमेज ऑफ योर इनर सेल्फ, तो व्हाई नॉट टू इनहैंस दैट लव सो दैट वी कैन अट्रैक्ट इट फ्रॉम एवरीवेयर। दिस इज कॉल्ड द रिसीविंग एंड गिविंग जस्ट बाय इनहैंसिंग द लव विद इन। So at the end, I'll be teaching you a particular technique by which you can enhance the love there in your life, have the perfect relationship with yourself, with anyone you wish for, with your career, with money, or with any work that you wish to do. This is the whole thing that we'll be learning today. But before that, we have to understand it again. That we have to be free from this fear, which is the darkness within, which is the self-limitation. We have to enhance the light within so that there is an inner freedom. To move ahead, before we move ahead, I want all of you to just think of a fear जो आपको बांध के रखता है। कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं चाह रही कि आप हम सबके साथ उस चीज को शेयर करो, भले लिख के रख लो, आप सोच लो कोई भी ऐसा डर जिसने आपको बांधा हुआ है, क्योंकि आज हम उस डर को निकालेंगे, आज हम आपको फ्री करेंगे सो दैट यू कैन एक्चुअली फील दैट लव विद इन फॉर योर सेल्फ। भले ही वो पुराना हो, भले ही वो आज का हो, भले ही वो फ्यूचर का हो, एनी लव फ्रॉम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एज इट विल हेल्प यू ऑल टू जस्ट बी फ्री। थिंक ऑफ इट। एंड कीप a mental note of it. If you're writing it, just keep it there in front of you. Because it will help you to release it. Now, how will we release it? By understanding the center of love. And what is the center of love? Center of love is our heart. इसलिए कहा जाता है, listen to your heart if you want to succeed. बट अगर आप सही में ना हार्ट की आवाज सुनोगे स्टेथोस्कोप लगा के, तो आवाज यही आती है लव डब लव डब। तो डोंट गो विद द लिटरल वर्ड ऑफ इट, लव डब आवाज नहीं, व्हाट वी मीन वो है द सेंट्रल ऑफ हार्ट इज योर हार्ट चक्रा। यस, द हार्ट चक्रा, दिस इज द पावर सेंटर ऑफ लव, देयर इन बिटवीन ऑफ योर चेस्ट, द ग्रीन कलर जेम वाइब्रेटिंग and just liberating lots of love for the people who do not know about the chakras. I just want to give the brief so that we can move further. So chakras are like a wheel like vortices is there on our etheric body, jiske through energy flow karti hai. Hum universe se energy lete hain, earth ke center mein jati hai, fir earth ke center se upar jati hai, universe mein jati hai. Aur agar ye chakras ki health 100% proper rehti hai, then our body is fully healed. There are many chakras, but 7 are the major chakras. These chakras are responsible for various aspects of our life. और मेरे एक्सपीरियंस से तो आपके हर एस्पेक्ट के लिए, चाहे आपका फिजिकल हेल्थ हो, चाहे आपका मेंटल हेल्थ हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, चाहे सोशल हेल्थ हो, चाहे मॉनिटरी हेल्थ हो, सब इन चक्रास के ऊपर निर्भर करता है ये। तो चक्रास आर द पावर हाउस, और ये वो पावर हाउसेज हैं, अगर आपने उनका स्विच ऑन कर दिया या सीख लिया कि कैसे उनको एक्टिवेट करना है, आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। इसलिए अगर आप लोगों ने देखा होगा शक्तिमान वो क्या बोलता है, ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है। फिर इमेज आती है कि उसके साथ वो चक्रा जागृत होते हैं। सो दैट्स व्हाट द चक्रा इज, चक्रा आर गेटिंग एक्टिवेटेड, देयर इज एन इनर एनर्जी विच कैन लिबरेट एंड यू कैन फील दैट इनर पावर, दैट्स व्हाई चक्रा आर कॉल्ड द पावर हाउस। So it receives, it transforms the prana and it helps in our maintenance and sustenance and development of our life. Like Mooladhar ka naam ye mool, aapki basic needs ka take karta hai. Swadhisthan chakra, orange color, it just makes you feel it, have the joy there in your life. Manipur chakra helps you to take action, have the power back there in your life. अनाहत चक्रा, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, विच इज द हार्ट चक्रा, लव, जहाँ पे सब कुछ प्यार से हो रहा है, जहाँ पे आपको किसी भी बात का ना हर्ट नहीं हो रहा, देयर इज नो इमोशंस अराइजिंग, यू आर न्यूट्रल, यू आर फ्री, यू आर फुल ऑफ लव। विशुद्ध इज द थ्रोट चक्रा, व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग परफेक्टली,
जहाँ पे जो आप बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, एंड यू आर एक्सप्रेसिंग एडिक्वेटली, जो बोलना चाहिए सही बोला जा रहा है और सही ऑडियंस को सही बात बोली जा रही है। आज्ञा चक्रा, आज्ञा नाम ही बोलता है, आज्ञा दोगे और पूरा होगा। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन एंड इम्प्लीमेंटेशन, सहस्रार थाउजेंड पेटल्स। तो इट इज लाइक जो कहते हैं ना क्या बोलते हैं नाग होता है, सहस्र दल नाग, सहस्पन्ना, वो यहाँ पर है। इसलिए वो कुंडलिनी में जब कुंडलिनी जागृत होती है तो सहस्रार जागृत होता है, विच इज द कनेक्शन विद द यूनिवर्स फॉर द अल्टीमेट विजडम, फॉर द यूनिवर्सल पावर। So these are the seven chakras, but today we are focusing on the anahat chakras. As we are talking about the love, we want to free ourselves, we want to free our heart from all the emotions, from all the fears that we are holding on to, and start living free and start doing everything of our choice. So the heart chakra, you can see it is a green in color. There in between the heart, it is called the anahat. जहाँ पे कुछ भी hurt नहीं करता. It's the seat of unconditional love. मतलब मेरे अंदर तो लव है बॉस, तुम चाहे जो कर, हाँ मैं दिखावे में गुस्सा कर सकता हूँ बट मुझे अंदर से गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि मैं अपनी एनर्जी गुस्सा करके वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू वाइब्रेट इन द वाइब्रेशन ऑफ लव, आई वॉन्ट टू फील लव एंड आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट लव। अगर आपको ये मेरा अच्छा नहीं लगेगा then the person will automatically go away. That's what the heart chakra says. That's why it is called the seat of unconditional love for self, for everyone. इस बात ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, the story of गौतम बुद्ध, शायद आप सबने सुनी होगी। गौतम बुद्ध और एक पागल हाथी थी। क्या हुआ, एक दिन एक पागल हाथी पूरे ना गांव में घूम रहा था, इधर उधर जो आ रहा था उसको धक्का देते हुए कुचलते हुए आगे जाता जा रहा था। उसी समय उस गांव में गौतम बुद्ध और उनके सारे डिसिपल्स जा रहे थे। सबने हाथी को देखा और उनके डिसिपल्स गौतम बुद्ध के जो भी साथ थे वो सारे इधर उधर दौड़ने लगे। उन्होंने गौतम बुद्ध को भी हटाने की कोशिश करी पर गौतम बुद्ध नहीं हटे, वो आराम से वहां खड़े रहे हाथी को देखते रहे। हाथी उनके पास आया और आराम से बैठ के शांत चित्त हो गया। क्यों, सबने उनसे पूछा आखिर ऐसा क्यों हुआ। गौतम बुद्ध ने उनसे ये बात कही, आप सब डर रहे थे, आपका डर हाथी को और डरा रहा, मैं शांत था इसलिए मेरे सामने हाथी आया तो वो शांत हो गया। तो दैट इज लव। नो मैटर आपके साथ दुनिया क्या कर रही हो, जो भी कोई आपसे क्या बात कर रहा हो, अगर आपके अंदर वो प्यार है उस लाइट को आप जगा पाओगे, वो लव को अगर आप इनहेंस कर लोगे, यू विल वाइब्रेट इन लव। जो भी आपकी सराउंडिंग में आएगा आपसे मिलेगा वो आपको प्यार ही देगा। अगर उसके अंदर कोई भी डर होगा या एनी नेगेटिव फीलिंग, उस समय के लिए वो शांत हो जाएगी। आपने फील भी किया होगा दैट अ फ्यू पीपल आर हैविंग वेरी गुड वाइब्स, जिनसे मिलकर अच्छा लगता है, व्हाई आर दे हैविंग गुड वाइब्स, बिकॉज़ ऑफ देयर थॉट प्रोसेस। So why not? We can also enhance that love within. So that's what we will be doing today by freeing ourselves from all sorts of fear and vibrating in love. That's the power of our chakra, where it is all about acceptance and love. Because we can love anyone, everyone, and self when we are wiser enough to accept the person or self. We are how the person is. हमें पता है सामने वाले को थोड़ी देर में गुस्सा आ जाता है, accept it. आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? हमें पता है कि सामने वाले का नेचर ही है, accept it. आप दिल पे क्यों ले रहे हो? जब हमें पता ही है वो चीज, हम खुद को परेशान क्यों करें? Let's accept it and not react in that moment. हमें समझाना है, हम आराम से समझाएंगे, उस समय सामने वाले को समझ भी आएगा। और सेम चीज खुद पे भी लागू होती, हमें पता है कि ये हमारी कमी है, we'll accept it so that we can work on our shortcomings and love ourselves more so that we can enhance our confidence, enhance our self-esteem, enhance that love and vibrate in love again. And by all this time, we can get connected with our surroundings. That's what the heart chakra says. So now, it's the time when we start learning the technique how to
activate how to heal our heart chakra and how to enhance the love there in our life. So are you all ready? Because now we'll be starting it. Please say yes again. Say ready or say yes. Because ab kuch cheeze hain jo main aapko bataungi, humko wo cheez karni hai. Wonderful. Such a good people. I'm having very good soul today. Wonderful. And all of you are helping everyone out there to liberate their fear and have that love there in your life. So now, before we start, there are a few things that you all have to take care. Keep yourself at mute. क्योंकि हम हल्का सा टेक्निक से मैं आपको ट्यून करूंगी, छोटा सा मेडिटेशन होगा. जरा सा भी किसी का भी अगर मोबाइल बजता है, किसी की तरफ से भी आवाज आती है, तो बाकी सब डिस्टर्ब होंगे. प्लीज कीप योरसेल्फ एट म्यूट. थैंक यू. सेकेंड पॉइंट, रिलैक्स योरसेल्फ. बिकॉज नाउ आई विल बी ट्यूनिंग योरसेल्फ, ट्यूनिंग यू ऑल विथ योर हार्ट सो दैट यू कैन एनहांस द लव विद इट. रिलैक्स. आप लेट भी सकते हैं. अगर चेयर पे बैठे हैं तो जस्ट रेस्ट योर नेक एंड रिमेंबर द फियर दैट यू वॉन्ट टू रिलीव. क्योंकि इन बिटवीन द मेडिटेशन, इन बिटवीन द होल प्रोसेस, आई बी हेल्पिंग यू टू रिलीव. और पूरे इस प्रोसेस में, पूरे इस टेक्निक में जो अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ, उस टेक्निक में हम आपको एक अफर्मेशन से ट्यून भी करेंगे. So just be in a very relaxing position. So here we start. Just close your eyes. Relax yourself. Yes, you can lay down. Take three deep breaths. Breathe in through your nose. Breathe out through your mouth. With each and every breath, say a word, relax to yourself. Relax. 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 Just keep focusing on your breath. Breathe in and breathe out. As you're focusing on your breath, bring all your attention to the tip of your toe. Feel a wave of relaxation moving up, relaxing your toes, relaxing your ankles, relaxing your calves, relaxing your knees, relaxing your thighs, relaxing your head. Moving up, relaxing your lower abdomen, your upper abdomen, your lower back, your upper back, your chest, your shoulder. Feel this wave of relaxation moving down from your shoulder. Relaxing your back chest, your elbows, your forearms, your wrist, your palms, your fingers, your whole body below your shoulder is totally and completely relaxed. Just let go, just really feel down there. Feel the wave of relaxation moving up from your shoulder. Relaxing your neck, your chin, your cheek, your nose, your ears, your forehead, your scalp. Your whole body is totally and completely relaxed. And you're listening to my voice only. With
each and every word of my voice, you are going deep down there in your mind. The deeper you go, the more rhythmic your breath becomes. More rhythmic your breath becomes, the deeper you go. The deeper you go, more rhythmic your breath becomes. More rhythmic your breath becomes, the deeper you go. Now, just imagine yourself there in an open space. Just imagine yourself there in an open space. Could be jungle, could be mountaintop, could be riverside, could be seaside. Anywhere of your choice. Open space. There in an open space, find a place or imagine a place where you can lie down. As you are there, just try to feel it. Try to feel the vibe. Try to feel the breeze. Try to feel your body, which is all relaxed. Try to feel your mind, which is going calmer, calmer, and calmer. Now there, it is you with yourself, taking charge of your life, ready to release which is unwanted, giving the command to the universe to let it go. So just say for yourself to the divine, to whomsoever you believe the most, the divine part. Today, I choose to release the fear which I am holding on to from past, present, and future, and go free. Today, I choose to release all the fear that I am holding on to from past, present, and future, and go free. Repeat it again. Today, I choose to release all the fear that I am holding on to from past, present, and future, and go away. And take 7 deep breaths as if you're inhaling light of love and exhaling the fear that you are holding. Take 7 deep breaths and feel it getting released now. Now you are ready to heal your heart chakra as you have taken a step ahead to release the fear. Now put your left hand there on your heart in between your chest and put your right hand facing on top of the ceiling, facing the sky. As we'll be receiving it from our right hand and giving the love to your heart. Now invoke the divine whom you believe the most. Koi bhi aapke isht ho sakte hain, if you believe, your guru or the universal life, whomsoever you believe. And say, yes, I am ready to surrender and flow with you. I am ready to accept the love
there in my life. Now feel the white light entering your right hand, flowing from your right shoulder to left shoulder, from your left hand to your heart. As this light is going to your heart, enlightening your heart, feel that your heart is becoming light enough. This light is spreading there in your whole body. Spreading in your whole body. Enlightening each and every cell of your body. This light is coming out from your cell, making an aura around your body. Now, here comes the power mantra. Say it to yourself now. I choose love. As from now on, whatever is happening there in your life or outside the universe, you are choosing love for yourself. So say it. I choose love. And keep on imagining the light coming, entering your heart. Keep on saying, I choose love. 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 Many things can come up. Just release it with your breath and replace it with the light of love. With how to replace the fear there within. And keep on saying, while you are imagining this light, just keep on saying, I choose love. I choose love. For a few minutes, you will be there with yourself. You won't be listening to my voice. Meanwhile, just keep on saying it to yourself. I choose love. As by saying it, we are giving the command to ourselves. We are giving the command to you that I only accept love from now on. That is my reality. I can only be open for love. So just say, I choose love. As you are saying it, the heart chakra is getting more enlightened. Light is spreading in your whole body. This light of love is spreading around you, in your surroundings. Now, gently thank the white light. Thank you, white light. Thank you, divine, for your support, for blessing you with this love. Thank yourself for letting yourself choose love. Gently relax your hands. And gently open your eyes. So now, the technique that I have taught you now, it's called the Heart Chakra Meditation. In this Heart Chakra Meditation, what you all have to do is that just take out 15 minutes of your time daily. At least for 21 days. What you have to do, I'll just show you your left hand here and your right hand facing the top. You'll be receiving it and you'll be giving it to your heart and feeling the light come. So, with the help of this thing,
you can release all the imbalance of the heart chakra. You can release all the lung problems asthma if a person is having, all sorts of heart problems. You can forgive people, release the regret, guilt, anxiety, anger, all sorts of fear, jealousy. You can just have the most good social relationship. You can release your attachment. And some people feel suffocation. You can release that also. And the moment all these things are released, your heart chakra gets activated. You feel unconditional love, compassion, understanding for self and everyone. You'll be more caring, friendly, detached, forgiving. Easy success will be your reality. You'll be just completely action-oriented, doing whatever is needed, the right thing at the moment. More aware, more focused, and easy flow of life. Jaise ki sab kuch pyar se ho raha hai. You know, I just want to share an experience with you. I have many people whom I deal with this heart chakra. Kya hota hai, koi bhi vyakti mere paas aata hai, being a holistic Ayurveda practitioner. मैं फर्स्ट बोलती हूँ कि मेडिसिन देते हैं हम, पंचकर्मा कराते हैं. बट कई कंडीशन ऐसी होती है जैसे डायबिटीज, हार्मोनल इम्बैलेंस, मेंटल, जहाँ पे मेडिसिन ज्यादा काम नहीं करती बिकॉज इट इज मोर रिलेटेड टू योर थॉट. सो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस देयर इन माय लाइफ, इन माय प्रैक्टिस, इज दैट जस्ट बाय दिस हार्ट चक्रा हम बहुत सारी बीमारियों को भी रिवर्स कर सकते हैं. वेट लॉस से बहुत हेल्प करता है. आई हैव अ पेशेंट ऑफ अराउंड 73 ईयर्स. He was having like fat issues, body weight, high BP, high cholesterol, diabetes. After the lots of therapies, the psychotherapy, the Satvajay, the Ayurveda psychotherapy, the last session I closed with this heart chakra. The person came to me last year with weight 121. In 21 days, person lost 10 kg. And till today, weight is managed. And importantly, na koi BP ki medicine, na koi diabetes ki medicine, the person is off everything. Because we have just released those emotional pains, those pains, जो उनको बांध के रख रहे थे, those self-limitation, जब उनको release कर देते हैं, light आ जाती है, we are in tune with the universal flow, we receive and give love, our body heals, our life heals. I have seen this working as a miracle in the people who wants to have abundance of money, have a good success. क्योंकि हमारा money के साथ भी एक relationship है, we have some fear. हो सकता है चाइल्डहुड के कारण हो, हमने सुना हो कि नहीं पैसा पेड़ पे नहीं उगता या बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वो बहुत मेहनत करने का भी डर होता है या गलत ना करने का डर होता है. यू हैव अ रिलेशनशिप विद मनी. बाय डूइंग दिस यू कैन रिलीज दैट फियर, यू कैन हील द रिलेशनशिप एंड यू कैन हैव अ लव रिलेशनशिप विद योर मनी टू एनहांस इट मोर. सो डोंट थिंक दैट इट इज ओनली लाइक टू फील लव, बट दिस टेक्निक ऑफ 15 मिनट्स ऑफ आई चूज लव will heal everything. So I'll just brief this technique once again. Just put an alarm for 15 minutes. Sit, close your eyes, just relax your whole body. Right hand facing the ceiling, left hand in between your chest. Feel the light coming from your right hand flowing, from your left hand going to your heart. Imagine that you are intaking white light, white or golden light, which is going to your heart, enlightening your heart, just your heart mein light jal rahi. That light spreading in every cell of your body, enlightening your body, and start chanting for 15 minutes. I choose love. I choose love. I choose love. Bahut pyar se. Jaldi nahi. I choose love. I choose love. I choose love. Aise nahi. Aaram se. Pyar se. I choose love. And importantly, agar din mein bhi kabhi, din bhar mein kabhi bhi aapko lagta hai ki nahi kuch ghabrahat ho rahi hai, या किसी बात का डर लग रहा है, उस समय भी जस्ट टेक 30 सेकंड्स ऑफ योर, टेक अ ब्रेक, साइड में हो जाए या जहां पे भी वहीं पे रहे, टेक अ डीप ब्रेथ, से टू योरसेल्फ आई चूज लव, आई चूज लव, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा आपको. यू विल फील फ्री, यू विल फील गुड. एंड और आप एक और काम कर सकते हैं, कीप ऑन चैंटिंग आई चूज लव होल डे, बट विद दिस मेडिटेशन. 21 डेज तो हमको मिनिमम करना ही है, उसके बाद आप जितना करना चाहो वो आपकी चॉइस है. सो दैट्स अ पावरफुल मेडिटेशन दैट यू हैव टू प्रैक्टिस. एंड यू नो, अगर हम सिर्फ हार्ट चक्रा से हम इतना सब कुछ अचीव कर सकते हैं, जस्ट इमेजिन व्हाट कैन वी डू इफ वी कैन एक्टिवेट द होल चक्रा.
सब कुछ जब हमारे सारे पावर सेंटर से लाइट टर्न अप हो जाएंगे, आवर होल बॉडी विल गेट दैट, हमारे पूरी बॉडी एक पावर पावर अट्रैक्शन मशीन बन जाएगी। वहां पे हमारी खुद की पावर होगी, वी कैन गिव आल्सो, वी कैन बाय दिस वी कैन अट्रैक्ट एनीथिंग दैट वी वांट, व्हाट यू विल बिकम अ सुपर ह्यूमन। जो मैंने टेक्निक आपको अभी सिखाई दैट्स अ हीलिंग ऑफ इट टू अट्रैक्ट अ पर्टिकुलर थिंग, बट एक्टिवेटिंग द चक्रास इज अ इट टेक्स लॉट्स मोर। So if you wish to activate your chakras, there is a complete series, complete program to it. You can align yourself into that program to actually unlock the power within you to manifest the life that you want, because you are the center of your universe. And yes, you can experience being a superhuman. That is possible. That too, with a bit of discipline by learning through the program. So here, I'm ready to take any questions if you all are having. If there is any question that you feel like, just let me know. All right, someone is asking, what is the position? I'll show it to you. Right hand will be like this. Left hand will be like this. If you are lying down, again, your right hand will be facing the ceiling. Left hand should be on your chest. Okay? Receive it, give it, feel it. This is the position. Now, someone is asking me, 21 days, right? Yes, minimum. Okay. The person who is unable to see it, it's like this. That's fine? Just once a day you have to do it for 15 minutes. Yeah, we all are superhuman, but we haven't unlocked that part. That was the question that I got, that are we all a superhuman? Yes, we all are the superhuman, but we have to unlock the part. Jaise pata hai, hamare ghar mein switches ki wiring to hai, but hame light jalane ke liye switch ko on to karna padta hai na. So we have to learn the technique to switch on so that we can feel that light within. Yes. Anyone who want to ask more question? Thank you so much, Mr. Ram Kishore. Hello. Ma'am. Hello. Hello. Yes, ma'am. Yes, please. माई क्वेश्चन इज मैम, जैसे आपने कहा कि 21 डेज में जो आपका एक्टिवेट होने की बात आपने कही है, तो ये जो अनाहत चक्र है, आफ्टर 21 डेज इट विल बी, यस, आफ्टर 21 डेज रेगुलरली doing this one, it will be activated, ma'am. देखिए, activate और healing में थोड़ा सा difference होता है. Activate करने का मतलब ये होता है कि हमने उसको हमेशा के लिए activate कर दिया. अभी जो मैंने आपको technique सिखाई, this technique is fruitful for the normal, जो हम life हमारी आजकल चल रही है, हमें instant results चाहिए, हम चाहते हैं हमारी life easily जाए, उस चीज के लिए. But activating heart chakra का पूरा technique ही different है. ये आप 21 डेज करोगे सो यू विल बी हैविंग फ्री फ्लोइंग लाइफ, यू कैन हैव मोर ऑफ लव इन योर लाइफ, दिस इज फॉर दैट. मैम, आई हैव अ क्वेश्चन. यस. व्हाइल आई वाज लेइंग डाउन एंड आई वाज सेइंग आई चूज लव, अ लॉट ऑफ लाइक आई हैव दिस टेंडेंसी ऑफ सेइंग नेगेटिव थिंग्स व्हिच आई कांट से नाउ पब्लिकली, बट समटाइम्स लाइक सेल्फ हार्म, negative intrusive thoughts. So while I was saying it, I said a lot of things which I didn't want to say, and you know, I always start thinking negative, like, oh my god, what if I said that? So should I worry about it, like, while, like, what you have to do is that if that thought is coming, you have to say it to yourself, stop, and you again have to bring your focus back to love, because you are in habit, so hame wo habit hi humko break karni hai. वो हैबिट हम कॉन्शियसली हम ब्रेक करना शुरू करेंगे, तब जाके वो सबकॉन्शियसली आपकी हैबिट बन पाएगी. तो व्हाइल यू आर सेइंग आई चूज लव, अगर थॉट कहीं और जाता है, से टू योरसेल्फ नो, देन अगेन कम बैक, आई चूज लव, आई चूज लव, आई चूज लव. सो इट इज नॉट गोना हैपन नाउ दैट आई एम गोना अट्रैक्ट सम नेगेटिव वॉल ऑफ एनर्जी. अगर आप वाइजर या फिर माइंडफुल हो उस समय की, नहीं यार नेगेटिव आ रहा है, तो आप अट्रैक्ट नहीं करोगे. अगर आप उस चीज को हटाओगे नहीं, उसमें आप बह जाओगे, तो फिर आप उसमें तो जी रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना है. ओके, यार, सो
I mean, slowly, see, it's a habit, so I'll break it, and I hopefully it doesn't, like, you know, this law of attraction thing scares me at times because I get scared. Okay. Like, this is like, jo abhi maine aapko sikhaya, this is not law of attraction. Main uske upar kaam nahi kar rahi. We are channelizing the universal energy to enhance the light within. तो इसीलिए हम यहाँ पे कुछ अट्रैक्ट नहीं कर, हम ये नहीं कह रहे कि आई एम लव, हम ये नहीं कह रहे, हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जो झूठ है हमारे लिए. हम कह रहे आई चूज लव, मतलब आज से मैंने कदम उठाना शुरू कर दिया है वो चीज पाने के लिए जो मैं चाहती हूँ, एंड दैट इज लव. मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छे से हो, मेरे को थॉट लव के आए, तो हम क्या करें, चूज कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज आई चूज लव. तो अगर कुछ भी नेगेटिव थॉट आता है आपको, आप क्या कहोगे, नो, अगेन बैक टू द पॉजिटिव थिंग, आई चूज लव. Say it affirmatively, I choose love. And then again, start feeling the energy flowing and feel that love within. Okay, thank you. Welcome. Ma'am, can we say it? Hello, ma'am. What we sow, so we reap. Sorry? What we sow, so we reap. Yes, true, very true. Hello, ma'am. Mera question hai. Haan ji. Yes, ma'am. Can I speak, ma'am? Yes, please say. मेरा मुझे एक्चुअली ये या मैम फियर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मुझे एक्चुअली जस्ट कभी कभी ऐसा फियर होता है जैसे सांप दिख रहा है ऐसा लगता है खुली आंखों से, मतलब कोई सपना नहीं देख रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि सांप आ जाएगा या सांप जैसा, मतलब अक्सर मुझे लग रहा कहीं वहां सांप था या रस्सी पड़ी हुई है तो जैसे मुझे लगा वहां सांप था ऐसा, मतलब कुछ फियर जो है मतलब रेगुलरली अराउंड द डे ऐसा कभी कभी होता है, कभी नहीं भी होता है लेकिन अकेजनली ऐसा फील होता है मुझे, तो मतलब ये फियर कैसा है, होता है ना, जो डर होता है वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट से आता है जी. कुछ भी ऐसा आपके लाइफ में हुआ होगा जिसके कारण से आपको ये डर आ रहा है, तो कहीं ना मैं वही कह रही हूँ कि अभी जो मैंने आपको सिखाया दैट इज फॉर लव. इस कंडीशन में आपको ही खुद को फाइंड करना पड़ेगा कि डर आ कहाँ से रहा है. अगर आप खुद को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो हम प्रॉपर हमारे कुछ सेशंस होते हैं, इट इज कॉल्ड द आयुर्वेदा सत्भावजय चिकित्सा, जिसमें हम अंदर का सत्व बढ़ाते हैं, वी रिलीज द फियर बाय आवर पर्सनलाइज्ड सेशन. बट मैं रिकमेंड करूंगी कि एक बार आप खुद फाइंड आउट कीजिए. आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, जब आप ये मेडिटेट कर रहे हो, आई चूज लव, अगर ये डर आता है तो ट्राई टू रिलीज इट आउट, ट्राई टू ब्लो इट बाय योर माउथ. And again, try to have I choose love. भले अगर आप सांप imagine करो तो try to give love to the snake ताकि आपका डर भाग जाए. अगर इससे नहीं जाता है, then we can go for the session for that. या फिर हम उसको find out करने की कोशिश कर सकते हैं. Okay, okay, ma'am. ठीक है जी. Thank you, ma'am. जी, okay, thank you so much, ma'am. Okay. Can I ask a question, please? Please tell me. Yeah. So, wherever there is love, you do expect love in return also. And when you don't get that kind of love back, or even if suppose you are giving 100% to something and you don't even get 50% back, then you do have वो थोड़ा सा खट्टापन, hatred जो भी है आ ही जाता है. It's like human nature, I think. So how do you say that this heart chakra meditation, if we do that little bit, hatred also which comes will not come, you will stop expecting? That's what you're saying. Yes, देखिए इस बात को आपको थोड़ा सा different way में समझना पड़ेगा. हम अगर love दे रहे हैं and we are expecting that, so it is not the unconditional love, it is the responsibility of love that we are fulfilling. कि मुझे तो इसको देना है या मेरा रिलेशनशिप इसलिए मुझे देना है, तो हम देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए. अगर सपोज उस व्यक्ति से आपका रिलेशनशिप नहीं होता, चाहे मैं इसको बहुत ही एक एग्जाम्पल लेके बात करती, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा बेटा नहीं है, तो अगर आपका बेटा नहीं तो क्या आप उसको इतना दोगे? नहीं दोगे. आप किसी को भी इसलिए देते हो क्योंकि उसमें मेरा आ जाता है, मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा, मेरे पेरेंट्स, मेरा काम, मेरे इन-लॉज. व्हेन दैट मेरा गोज, देन इट इज लाइक नो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हम अनजान व्यक्ति से हम कुछ एक्सपेक्ट करते नहीं और हम उसको कुछ देते ही नहीं. बट यहाँ पे जिस लव की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल लव, जो आपके अंदर से आता है, जहां पे आपको इन चीजों का फर्क पड़ना ही बंद हो जाता है, क्योंकि वो उसके कर्म है, जो कर रहा है वो उसके कर्म है. बट समवे ऑर द अदर अगर हमें वो नहीं मिल रहा है तो वी आर नॉट रेडी टू रिसीव दैट लव. हमें उसी को रिसीव को भी इंक्रीज करना है,
और उसको हम इंक्रीज तब कर सकते हैं जब हम खुद को इतना प्यार दें कि सामने वाले को भी देखिए वाह यार ये तो बड़ा बहुत खुश है कि खुद के लिए इतना कर रही है, तो फिर वो सामने वाला भी आपके लिए करने की कोशिश करेगा. तो दिस थिंग हेल्प इन द सिनेरियो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. बट आपको फॉरगिव करना पड़ेगा एवरी मोमेंट. चलो माफ किया बट नेक्स्ट टाइम कुछ भी करने से पहले वो मन में नहीं आना चाहिए यार इसने तो कल ऐसा किया था. वो आया मींस यू आर लिविंग इन अ पास्ट, यू हैवंट फॉरगिवन दैट पर्सन येट. सो फॉरगिव एंड फ्लो इन लव. बट मैम डोंट यू थिंक इफ यू कीप ऑन फॉरगिविंग देन पीपल डू टेक यू फॉर ग्रांटेड. आई एग्री. मैं ये कह रही हूँ आपको खुद को भी तो प्यार करना है ना. फॉरगिव करने का मतलब ये तो थोड़ी ना है कि हम खुद को नुकसान पहुंचाए. अब वो भी तो करो जो आपको अच्छा लगता है. है ना, हम सबको देते देते हम वो भी तो करना भूल जाते हैं कि जो हमें अच्छा लगता है, तभी तो लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं. अगर आप ही खुद को फॉर ग्रांटेड नहीं लोगे तो दुनिया कैसे ले सकती है आपको. तो वो आपको खुद के लिए करना है पहले. इट्स ऑल अबाउट यू फर्स्ट, एनहांसिंग दैट लव फॉर सेल्फ फर्स्ट. मैम राइट, मैम वन क्वेश्चन प्लीज. या टेल मी मैम, यू रिकमेंडेड डी अटैचमेंट फॉर बैलेंसिंग हार्ट चक्र, दैट इज आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड. ओके, डिटैचमेंट. अटैचमेंट क्या होता है? हम जैसे अभी पहला क्वेश्चन था, हमारा अटैचमेंट हो गया इतना ज्यादा कि हम देते जा रहे हैं फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं. एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इज अटैचमेंट फॉर द अटैचमेंट टुवर्ड्स द रिजल्ट. एंड व्हाट इज डिटैचमेंट व्हेन वी आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट. With love, attachment also comes. No, with love, detachment comes when you are in the position ki boss, jo kuch bhi ho raha hai, I am in love. Yeah. So there is a lot of difference in between that. Attachment, agar humko ho raha hai na, so it is like again we are in a mutual relationship of being attached with the person, and we are expecting in return. That is attachment. But when there is detachment, there is no, you're not expecting anything. You're like, okay, I am doing my part. And I am here to love myself because I am complete. When you are complete, there is a complete detachment towards anything. It means we should be detached with our family, something like this? देखो, detachment, again, मैं कह रही हूँ, detachment is like expectation नहीं रखने, क्योंकि हर व्यक्ति वही करेगा जो उसको करना है. Okay. आप वही करोगे जो आपको करना है. हमारा सारा का सारा दुख दर्द तभी शुरू होता है जब हम ये सोचते हैं यार उसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसको तो ऐसा करना चाहिए था. राइट. तो हमें उसी चीज से डिटैच होना है. उसने जो करना है वो करना है, वो अपनी सोच से कर रहा है, वो अपने विवेक से कर रहा है. बट माय विजडम इज टू फील लव. सो आई विल से ओके आई लव यू, आई विल गिव माय लव टू यू, यू स्टे हैप्पी. बट आई विल आल्सो स्टे हैप्पी. आई विल नॉट लिव इन द नेगेटिविटी दैट यू आर गिविंग मी. आई विल स्टे हैप्पी एंड I will live in that moment of myself in joy. Okay. Thank you. One question. Hello. Ma'am, हम Hello. चार लोगों के साथ रहते हैं और उन्हीं के साथ differences होते हैं, तो वो differences कैसे sort out करें? अभी आप क्या करोगे? देखो, सारे मुझे एक ही तरीके के सवाल आ रहे हैं. मैं सबसे एक ही चीज कहना चाहूंगी कि differences sort out करने के लिए it's all about forgiving and acceptance. थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था, we have to accept. क्योंकि सामने वाला जैसा है वो वैसा है. आप जैसे हो आप वैसे हो. कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि मतलब कि आप नहीं चाहते उन पर आदमियों के साथ, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप रह रहे हो उनके साथ. So आप खुद से प्यार करते हैं? हाँ जी. कितना? अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप ये नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं रखेंगे, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं हम उसको नेगेटिविटी हम कभी नहीं देते. तो जो भी आपको परेशान करता है ना, वो सारी चीजों को निकाल दो. स्टॉप गेटिंग बॉदर्ड अबाउट इट. जस्ट स्टॉप गेटिंग बॉदर्ड. रहना है तो रहो, मगर रह रहे हैं तो तरीके से रहो. और मैं तो खुश हूं, मैं वो कर रही हूँ जो मुझे करना है. हेलो मैम, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो मैम उन फिजिकल प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करें? जैसे आप बीमार हो गए एंड यू हैव टू डू योर हाउसहोल्ड वर्क, तो उस जैसे मतलब कि हैंडल करें सिचुएशन को. उसके लिए यू नीड टू आस्क हेल्प. देखिए, ये वाला जो आपका सवाल आ रहा है ये थोड़ा सा यहाँ से हमारा हटकर आ रहा है. बट अगेन मैं एक ही चीज कह रही हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ आराम से जाए,
स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. हो सकता है आपको जो ये प्रॉब्लम आ रही है ना, ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाए. हैव फेथ, हैव होप. मैम आपने हेल्प भी मांग लिया, आपने मतलब कि इन लॉज से भी है, फिर जो भी है, अगर वो हेल्प नहीं करें तो उस सिचुएशन में आप क्या करें? आपका नाम क्या है? अशरफ. आपने क्या करना है, मैं अगेन कह रही हूँ, कुछ समय के लिए भूल जाओ उन्होंने पास्ट में क्या किया. 21 डेज जो मैंने आपको बताया वो आप करना शुरू करो, ठीक है? अपने आप आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा अपने आप, क्योंकि मैंने फिर से मैं कह रही हूँ, वी आर द सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स. हम अपना आसपास की सराउंडिंग को भी चेंज करते सकते, सिर्फ खुद को बदल के. यस प्लीज टेल मी. हेलो हेलो मैम. हेलो. यस बताइए. मैम मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे? बताइए. मैम एक्चुअली मेरी लाइफ को लेके कोई फियर नहीं है, मुझे मेरे लिए कोई फियर नहीं है, पर मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, सिस्टर ब्रदर्स के लिए फियर है. तो जब भी मैं कभी सोचती हूँ कि मैं रिलीज करूँ अपने फियर को, तो क्या ये सारे फियर भी मैं रिलीज कर सकती हूँ इस टेक्निक के थ्रू? यस यू कैन. ओके ओके थैंक यू मैम. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट एंड यू विल फील गुड अबाउट इट एंड इट्स ऑल बीन रिलीज. ओके ओके थैंक यू मैम. ओके. हेलो गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. टेल मी प्लीज मैम, एज यू हैव गाइडेड अस फॉर हार्ट चक्रास, इज इट पॉसिबल दैट वी कैन एक्टिवेट हार्ट चक्रा बिफोर एक्टिवेटिंग अदर चक्रास लाइक मूलाधार एंड ऑल? अगेन मैंने आपको जो गाइड किया है, आई एम गाइडिंग यू फॉर द लव. हम यहाँ पे हार्ट चक्रा की हीलिंग कर रहे हैं जिससे हम ब्लॉक हो गए. टू एक्टिवेट इट हमें पूरा का पूरा प्रोग्राम पे जाना पड़ेगा. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मूलाधार, देन टू कम, देन वी हैव टू एनहांस एवरी चक्रा, देन मूव हायर अप. एक्टिवेशन इज अ वेरी डिफरेंट प्रोग्राम और उसका टेक्निक ही एकदम अलग है. ओके सो वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मूलाधार. पूरा उसका टेक्निक डिफरेंट आता है. वी हैव टू परफॉर्म द कंप्लीट टेक्निक. हेलो हेलो गुड इवनिंग मैम. मैम दिस इज सोनम तिवारी. मैम मेरा क्वेश्चन था कि आप बोल रहे हो कि खुद से प्यार करें सबसे पहले, तो मैम हम खुद से प्यार के लिए मतलब कैसे अपने आप को सबसे पहले हम अपनी प्रायोरिटी बनाएं कि हाँ सबसे पहले मैं हूँ? प्रायोरिटी एंड लविंग सेल्फ इज डिफरेंट. अगर आप खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे, मतलब आपने अपनी जरूरतों का तो ध्यान रखना है ना जी, खाली नहीं होते जाना है. तो प्रायोरिटी एंड टेकिंग केयर इज डिफरेंट. इसको आप समझ, आपने खुद से प्यार करने का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं हमें भूल जाते हैं कि हमें क्या चाहिए जी, या हमें क्या पसंद है. अगर आप वो करना भूल रहे हो तो आप गलत हो. बट हाँ, अगर आपको पता है कि यार ये आज की मेरी प्रायोरिटी ये है कि मुझे ये काम करना है, ठीक है, बट व्हेन आई गेट टाइम आई विल डू माय थिंग आल्सो एंड आई विल टेक आउट टाइम टू डू माय वर्क. दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव. ताकि रात को जब आप सो तो वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो, यार मैंने अपने लिए तो टाइम निकाला है एंड कुछ कंस्ट्रक्टिव खुद के लिए किया है एंड आई लव माय सेल्फ. एंड हाँ, सिर्फ प्रायोरिटी का मतलब कुछ काम करना नहीं होता. लव करने का, सेल्फ लव का मतलब ये भी होता है कि आई एम नॉट टेकिंग एनी नेगेटिविटी फ्रॉम एनीवन. आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. सिर्फ अगर आप यही करना आपने शुरू कर दिया ना, देन ऑल्सो इट मीन्स दैट यू आर लविंग योर सेल्फ. जी थैंक यू मैम. हेलो हेलो गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. मेरा सवाल प्रश्न ये है कि अगर जिसे हम ज्यादा प्यार करते हैं तो वो अगर हमसे बार 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 नजरअंदाज करके झूठ बोल और उसका हमें सब पता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, यानी क्या आशा कर सकते हैं हम? फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आप खुद को खो रहे हो तो वो प्यार नहीं है, दैट इज ओनली अटैचमेंट. ओके. So you have to start practicing it and start finding love for yourself, ताकि आपका love किसी और के ऊपर depend ना करे.
आपका इनर पीस किसी और के रिएक्शन पे डिपेंड ना करे. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट फॉर दैट. तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि क्या राइट है क्या नहीं. बिकॉज लव इज अ थिंग व्हेन यू आर फ्री एंड यू आर यू, देन ओनली इट इज ट्रू लव. अदरवाइज इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. ओके थैंक यू मैम. ओके सो थैंक यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. आई विल जस्ट क्लोज द सेशन. And if you have any more questions, you can contact with Mr. Ayush there. And yes, keep on practicing it because I have given you a tool. Now it's all up to you how you can use it and how you can get benefit for yourself, for your loved ones and for your surroundings. Just attract love and live in love, live in joy. So be you and be free. Namaskar.